हाँ, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, आपका क्या कह रहा है कि वॉट ट्रांसपायर्स वेन मिस्टर वार्फिक कॉल्स मिसिस जोन्स फॉर अ टॉक। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि वॉट ट्रांसपायर्स, ट्रांसपायर्स का मतलब होता है पता लगना, ठीक। यानी इसमें आपको बताना है कि क्या पता लगता है वेन मिस्टर वार्फिक कॉल्स, जब मिस्टर वार्फिक कॉल्स फॉर बुलवाते हैं किसको, मिसिस जोन्स को, काय के लिए, फॉर अ टॉक, बात करने के लिए। तो जब मिस्टर वार्फिक मिसिस जोन्स को बात करने के लिए बुलवाते हैं और उन दोनों के बीच जब बातचीत होती है तो मिस्टर वार्फिक को क्या पता लगता है, ये आपको यहाँ बताना है। अब थोड़ा सा पहले स्टोरी में जाइए और पहले ये सोचिए कि ये जो बात है या ये जो क्वेश्चन है वो स्टोरी में कौन से टाइम का है। तो जब मिस्टर वार्थिक को ये पता लगता है कि उनका जो सिल्वर बॉक्स है वो चोरी हो गया है, तो ये जो उनका नौकर है वो उन्हें आकर के बताता है कि उनका जो सिल्वर बॉक्स है वो चोरी हो गया है। तो मिस्टर वार्थिक ये पूछते हैं कि उस टाइम पर कमरे में कौन था। तो मिस्टर वार्थिक को पता लगता है कि उस टाइम पर मिसिस जोन्स थी। तो इसके बाद वो मिसिस जोन्स को बुलवाते हैं और मिसिस जोन्स से बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो उस टाइम का ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि वॉट ट्रांसपायर्स वैन मिस्टर वार्थिक कॉल्स मिसिस जोन्स फॉर अ टॉक, यानी क्या पता लगता है वैन मिस्टर वार्थिक कॉल्स, जब मिस्टर वार्थिक बुलवाते हैं मिसिस जोन्स को फॉर अ टॉक, बातचीत करने के लिए। अब देखिए आप इसका आंसर, देखिए जब तक क्वेश्चन आपके दिमाग में स्टोरी से रिलेट होकर के ठीक से नहीं बैठेगा तब तक आप आंसर को केवल रट सकते हैं, आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहेगा नहीं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को दिमाग में ठीक तरीके से सेट होने दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आप उसका आंसर देने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप आंसर में देखिए कि वैन मिस्टर वार्थिक कॉल्स मिसेस जोन्स फॉर अ टॉक, तो ही इंक्वायर्स, कि जब वो बुलवाते हैं तो सबसे पहले तो वो जानकारी लेते हैं, वो पता लगाते हैं। किसके बारे में पता लगाते हैं, हर अबाउट हर फैमिली कंडीशंस। तो वो उससे पूछताछ करते हैं, वो उनसे जानकारी लेते हैं उसकी फैमिली कंडीशन के बारे में। तो सबसे पहले तो वो ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी फैमिली कंडीशन कैसी है। तो ही इंक्वायर्स हर, कि वो उससे पूछताछ करते हैं अबाउट हर फैमिली कंडीशन, उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। ये उन्होंने क्यों पता लगवाया था, जिससे ये ठीक से समझ में आए कि कहीं ये बहुत ज़्यादा कर्ज में या ज़्यादा फैमिली के जैसे आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब होगी तो निश्चित रूप से इसने चोरी करी होगी। तो इसके लिए पहले तो वो उसकी फैमिली कंडीशन के बारे में पता लगवाते हैं या पता लगाते हैं। तो ही इंक्वायर्स, वो पता लगाते हैं हर, या वो उससे पूछताछ करते हैं अबाउट हर फैमिली कंडीशंस, ठीक। इसके बाद एंड वेयर सी लिव्ड, वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो जहाँ रहती है। तो वो जहाँ रहती है, अब यहाँ देखिए वेयर का मतलब कैसे भी कहाँ नहीं करना आपको, क्योंकि जब वेयर से दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, जब वेयर कंजक्शन बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो सेंस है वो का की जगह पर जा से निकलने लगता है। हालांकि ये मैंने आपको बीच बीच में कई बार बताया है कि जितने भी WH वर्ड होते हैं इनका जो सेंस होता है, इनका जो अर्थ होता है, वो का से भी होता है और जा से भी होता है। जब आपको इनके बाद क्वेश्चन वर्ड मिलता है तब आप इनके अर्थ का से करेंगे, इसका मतलब वैन आपका कब, वेयर आपका कहाँ, वाई आपका क्यों होगा। लेकिन जैसे ही इनका काम कंजक्शन के रूप में हो जाएगा और इनके बाद आपको फुल स्टॉप मिलेगा तो इनके सबके अर्थ जा से हो जाएंगे। तो वैन आपका जब हो जाएगा, वाई आपका ज्यों हो जाएगा, वेयर आपका जहाँ हो जाएगा, वाट आपका जो हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या समझना है, क्वेश्चन जो कह रहा था कि वॉट ट्रांसपायर्स, क्या पता लगता है, तो आप आंसर में कह देंगे कि वैन मिस्टर वार्थिक कॉल्स मिसिस जोन्स फॉर अ टॉक, ही इंक्वायर्स, वो जानकारी लेते हैं हर उससे अबाउट हर फैमिली कंडीशन, उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। और दूसरी बात आपको यहाँ बतानी, एंड वेयर सी लिव्ड, और वो जहाँ रहती है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। इसके बाद आगे देखिए, अब वो बताती है, वो जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले बताती है कि सी हैज 3 चिल्ड्रन,
तो इस जानकारी में उन्हें क्या सामने आता है, उन्हें क्या पता लगता है कि सी हैज थ्री चिल्ड्रन, उसके पास तीन बच्चे हैं। हु जो, अब यहाँ हु कौन नहीं होगा, यहाँ हु का मतलब क्या हो जाएगा, जो। हु गो टू स्कूल, जो स्कूल जाते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, जैसे हु, अगर आपका हु सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये हु डिपेंड करता है इससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट पर। क्योंकि यहाँ हु से पहले आपका चिल्ड्रन आया है, चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, तो इसलिए हु भी आपका प्लूरल हो गया, और हु के साथ आपने गो लगाया, न कि गोज लगाया, ठीक। तो ये थोड़े ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं, इनको भी समझने की कोशिश करते रहिए, जिससे ग्रामर का कोई भी जो पॉइंट है वो आपसे गलत नहीं होगा। तो उनको क्या पता लगता है कि सी हैज थ्री चिल्ड्रन, तो इसके पास तीन बच्चे हैं, हु गो टू स्कूल, ये स्कूल जाते हैं। तो एक बात, मिस्टर वार्थिक को उसकी फैमिली के बारे में ये पता लग जाती है। दूसरा, उसके पति के बारे में पता लगता है कि हर हस्बैंड इज़ अ ड्रंकर्ड। एक ये भी बात उनको पता लगती है कि उसका जो पति है वो एक शराबी है, एंड ही ऑफन बीट्स, और वो अक्सर पीटता है। ही ऑफन बीट्स हर, उसको, देयर फॉर, इसलिए, सी इज थिंकिंग, वो सोच रही है टू लीव, छोड़ने की हिम उसको। ये भी उसको पता लगता है, मिस्टर वार्थिक को ये भी पता लगता है कि हर हस्बैंड इज अ ड्रंकर्ड, क्यों, जो उसका पति है वो एक शराबी है, एंड ही ऑफन बीट्स हिम, और वो अक्सर उसको पीटता है। देयरफॉर, इसलिए, सी इज थिंकिंग, वो सोच रही है, काहे की सोच रही है, उसे छोड़ने की, टू लीव हिम। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन जरूर दिमाग में रखिए कि वॉट ट्रांसपायर्स, क्या पता लगता है, वॉट ट्रांसपायर्स, क्या पता लगता है व्हेन मिस्टर वार्थिक कॉल मिसेस जोन्स फॉर अ टॉक। तो आप कहेंगे कि व्हेन मिस्टर वार्थिक कॉल्स मिसेस जोन्स फॉर अ टॉक, ही इंक्वायर्स, वो जानकारी लेते हैं, वो पता लगाते हैं हर उससे अबाउट हर फैमिली कंडीशन, उसकी फैमिली कंडीशन के बारे में जानकारी लेते हैं, एंड वेयर सी लिव्ड, और वो जहाँ रहती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब आपको पहले फैमिली कंडीशन बता देनी है कि उसकी फैमिली कंडीशन कैसी है। तो फैमिली कंडीशन में सी हैज थ्री चिल्ड्रन, उसके पास तीन बच्चे हैं, हु गो टू स्कूल, जो स्कूल जाते हैं, और फैमिली में कौन है कि, और दूसरा, उसके पास पति है। तो आप ये भी लिख देंगे कि सी हैज, सॉरी, हर हस्बैंड इज अ ड्रंकर्ड, तो उसका पति एक शराबी आदमी है, एंड ही ऑफन बीट्स हिम, और वो अक्सर उसको पीटता है, और पीटता है इसलिए वो उसे छोड़ने की भी सोच रही है, देयरफॉर सी इज थिंकिंग टू लीव हिम, इसलिए वो उसको छोड़ने की सोच रही है। दो बातें आपको बतानी है कि उसकी फैमिली कंडीशन क्या है, और वो जहाँ रहती है उसकी जगह के बारे में भी बताना है। अब बात आती है उसकी जगह की, तो फैमिली उसकी हो गई कंप्लीट। इसके बाद आप जगह बताएंगे, तो जगह में आप क्या लिखेंगे कि सी लिव्स इन अ रेंटेड हाउस। कि अगर जगह की बात करें तो वो एक किराए के घर में रहती है, और वो घर भी कैसा है, विद ओनली वन रूम, तो एक ही रूम है उसमें, तो एक ऐसे घर में रहती है जिसमें एक ही रूम है। तो सी लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, कि वो एक किराए के मकान में रहती है, और वो भी मकान कैसा है, कि विद ओनली वन रूम, यानी एक कमरे वाले किराए के मकान में वो रहती है। तो यहाँ उसकी दोनों बातें क्लियर हो गई कि ही इंक्वायर्स, वो पता लगाता है, वह जानकारी लेता है अबाउट हर फैमिली कंडीशंस, कि उसकी फैमिली कंडीशन के बारे में पता लगाता है, और दूसरा, वेयर सी लिव्ड, वो जहाँ रहती है उसके बारे में भी वो पता लगाता है। फैमिली कंडीशन आपने ऊपर बता दी, और वेयर सी लिव्ड का आंसर आपने नीचे दोबारा दे दिया। किसी, तो सी लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, कि वो एक किराए के मकान में रहती है, और विद ओनली वन रूम, यानी एक कमरे वाले किराए के मकान में वो रहती है। इतनी सारी जानकारी लेने के बाद, इसके बाद मिस्टर वार्थिक, उससे मेन काम क्या था कि सिल्वर बॉक्स की चोरी हुई थी, और उससे उसके बारे में जानकारी लेनी थी। तो पहले वो इतनी सारी जानकारी लेती हैं, इस जानकारी लेते हैं, और उसके बाद वो उससे पूछते हैं सिल्वर बॉक्स के बारे में। तो इसके बाद आप लास्ट में जाके लिखेंगे कि मिस्टर वार्थिक देन इंट्रोगेट्स, इंट्रोगेट, पूछताछ करना, कि इसके बाद मिस्टर वार्थिक जो होते हैं वो पूछताछ करते हैं अबाउट द थेफ्ट, चोरी के बारे में, ऑफ सिल्वर बॉक्स। तो पहले उसकी सारी चीज़ें जान लेते हैं, और उसके बाद जो उनका सिल्वर बॉक्स खोया था, तो उस सिल्वर बॉक्स की चोरी के बारे में फिर वो जानकारी लेते हैं। तो लास्ट में जाकर के आप लिखेंगे कि मिस्टर वार्थिक देन, कि तब मिस्टर वार्थिक इंट्रोगेट्स, पूछताछ करते हैं अबाउट द थेफ्ट, चोरी के बारे में, ऑफ सिल्वर बॉक्स। क्या इसके बाद जो मिस्टर वार्थिक हैं वो चोरी के बारे में या सिल्वर बॉक्स की चोरी के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन अभी तक जो पूछताछ चल रही थी,
वो सारी पूछताछ इसलिए चल रही थी कि वो उसके घर में नौकर थी और जो मालिक है वो जान सकता है कि तुम्हारी फैमिली कंडीशन क्या है, तुम्हारा पति क्या करता है। लेकिन जैसे ही उसे ये लगा कि मेरे ऊपर सिल्वर बॉक्स का या सिल्वर बॉक्स की चोरी का शक किया जा रहा है, तो इसके बाद वो क्या कहती है, तो जैसे ही उससे चोरी के बारे में पूछा जाता है तो ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट, ये समझते हुए, क्या समझते हुए कि सी इज बीइंग सस्पेक्टेड, इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग पैसिव वॉइस हो गया, काय का पैसिव वॉइस हो गया आपका, इज एम आर का हो गया, तो सी इज बीइंग सस्पेक्टेड यानी उस पर संदेह किया जा रहा है। मैंने बताया था पैसिव वॉइस में रहा है, रही है, रही है, काय में चेंज हो जाएगा, जा रहा, जा रही, जा रहे। देखिए स्टार्टिंग से लेकर के मैंने जो आपका इतना सिलेबस कराया है, मैंने हर जगह ग्रामर को आपको बार बार बताया है, और अगर आप ठीक से सुनते हैं तो न केवल आपको ये अच्छे से लर्न होंगे बल्कि आपके जो ग्रामर के पॉइंट हैं वो भी मजबूत होंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया करिए कि सी इज बीइंग सस्पेक्टेड, इसका मतलब इज बीइंग लगा है, वर्ब थर्ड लगी है, लिखने में भी गलत नहीं होगा और आपके दिमाग में भी फीड होगा ठीक से। तो ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट, ये समझते हुए, क्या समझते हुए कि सी इज बीइंग सस्पेक्टेड, कि उस पर संदेह किया जा रहा है। जब उसे ये समझ में आया कि ये पूरी जानकारी सिल्वर बॉक के शक में करी जा रही है, जैसे ही उसे ये समझ में आया कि ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट कि सी इज बीइंग सस्पेक्टेड फॉर द थेफ्ट, सी सेज दैट, तब उसने कहा और इसके बाद वो क्या कहती है, पहले तो कहती है कि सी हैड नॉट सीन इट, कि ना तो उसने इसको देखा, पास्ट की बात करती है। तुम अगर ये कहते हो कि आज समय तुम वहाँ झाड़ू लगा रही थी और ये वो, तो ये जो पूरी बातें आई, तो इसके जवाब में उसने कहा कि सी हैड नॉट सीन इट, कि ना तो उसने इसको देखा, एंड सी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, और ना इसके बारे में अभी कुछ जानती है। पास्ट की बात उसने पास्ट में कही कि सी हैड नॉट सीन इट, कि ना तो उसने इसको देखा था, एंड सी डज नॉट नो, और वो जानती भी नहीं है एनीथिंग, कुछ भी अबाउट इट इसके बारे में। तो ये आंसर एकदम से ईजी है, आपको सोचना है, सोच के लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं, ग्रामर के पॉइंट जानते हैं, तो आपसे गलती नहीं होगी। एक बार पूरे आंसर को फिर से समझने की कोशिश करिए और आंसर को पहले सोचिए कि हमें क्या लिखना है। सबसे पहले मिस्टर वार्थिक जब मिसेस जोन्स को बुलवाते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो उससे दो बातों के बारे में जानकारी लेते हैं, एक तो उसकी फैमिली कंडीशन के बारे में और दूसरा वो जहाँ रहती है उसके बारे में। इन दोनों की जानकारी लेने के बाद तब वो सिल्वर बॉक्स की चोरी के बारे में उससे पूछताछ करते हैं। लेकिन जैसे ही मिसेस जोन्स को ये पता लगता है कि ये पूछताछ सिल्वर बॉक्स के लिए करी जा रही है, तब वो कहती है, तो ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट, ये समझते हुए, ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट यानी ये समझते हुए कि सी इज बीइंग सस्पेक्टेड, उस पर संदेह किया जा रहा है, सी सेज दैट, तब वो कहती है कि सी हैड नॉट सीन इट, कि ना तो उसने देखा है, ठीक, एंड सी डज नॉट नो, और ना ही वो जानती है एनीथिंग अबाउट इट इसके बारे में कुछ, कि ना तो भाई मैंने इसको देखा और ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानती हूं। मेरे ख्याल से बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से पहले क्वेश्चन को दिमाग में रखिए और आंसर को ठीक से समझने की कोशिश करिए। फाइनली जब मैं आपको बताता हूं तो आप बोर्ड पर थोड़ा कम देखिए और आपको आंसर भी लर्न होगा और ग्रामर के पॉइंट भी ठीक से समझ में आएंगे। हाँ, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट ट्रांसपायर्स, क्या पता लगता है, कब, व्हेन मिस्टर वार्थिक, कि जब श्रीमान जो वार्थिक होते हैं कॉल्स मिसेस जोन्स फॉर अ टॉक, कि जब वो उसे बातचीत के लिए बुलवाते हैं तो उन्हें क्या पता लगता है। तो यहाँ से आप सीधे सीधे कह देंगे कि व्हेन मिस्टर वार्थिक कॉल्स मिसेस जोन्स फॉर अ टॉक, कि जब वो उसे बातचीत के लिए बुलवाते हैं, ही इंक्वायर्स, वो जानकारी लेते हैं हर उससे अबाउट हर फैमिली कंडीशन, उसकी फैमिली कंडीशन के बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरा, वो किसके बारे में जानकारी लेते हैं, एंड वेयर सी लिव्ड, और वो जहाँ रहती है, कहाँ नहीं, जहाँ रहती है। तो जहाँ सेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड के बारे में, कि जब WH वर्ड के रूप में काम में लाए जाते हैं तब का से सेंस निकालना है, और जब कंजक्शन के रूप में काम में लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जा से निकालना है। तो व्हेन मिस्टर वार्थिक कॉल्स मिसेस जोन्स फॉर अ टॉक, ही इंक्वायर्स हर अबाउट हर फैमिली कंडीशन एंड वेयर सी लिव्ड,
अब इन दोनों पॉइंट को आप अलग अलग बता दें। फैमिली कंडीशन पहले बताएं, तो फैमिली कंडीशन में सबसे पहले वो खुद है, वो तो सामने ही खड़ी है। दूसरे नंबर पर उसके बच्चे आते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सी हैज़ थ्री चिल्ड्रन, उसके पास तीन बच्चे हैं। अब वो स्कूल जाते हैं, तो वो मतलब हु, स्कूल जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब चूंकि चिल्ड्रन आपका प्लूरल हो गया, तो हु भी प्लूरल हो गया, तो हु गो टू स्कूल। बच्चों की बात खत्म हो गई। इसके बाद अब उसके पति की बात करें, तो हर हस्बैंड इज अ ड्रंकर्ड, कि उसका पति एक शराबी है। आपको यानी उसकी पूरी जो फैमिली कंडीशन है वो आपको ठीक से उसके सामने रख देनी है, क्योंकि उसने उसको पूछताछ करी है। तो हर हस्बैंड इज अ ड्रंकर्ड, कि वो उसका पति जो है वो एक शराबी है। ही ऑफन बीट्स हिम, वो अक्सर उसको पीटता है, और इसीलिए सी इज थिंकिंग, वो सोच रही है टू लीव हिम, उसे छोड़ने के लिए। यहाँ तक आपने उसकी फैमिली कंडीशन भी बता दी। इसके बाद वेयर सी लिव्ड, इसका आंसर देना है। वो जहाँ रहती है ये भी उसने पता लगवाया या उससे पता लगाया, तो इसके बाद में आप क्या लिख देंगे कि सी लिव्स, वो रहती है इन अ रेंटेड हाउस, एक किराए के मकान में रहती है, विद ओनली वन रूम, जिसमें केवल एक ही कमरा है। इतनी सारी बातें जब पता लग जाती हैं, इसके बाद मिस्टर वार्थविक अपनी जो सिल्वर बॉक्स होता है उसकी चोरी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मिस्टर वार्थविक देन इंट्रोगेट्स, कि इसके बाद मिस्टर वार्थविक जानकारी लेते हैं, पूछताछ करते हैं अबाउट द थेफ्ट ऑफ सिल्वर बॉक्स। और जैसे ही सिल्वर बॉक्स वाली बात आती है, तो ये समझ जाती है मिसिस जोन, तो ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट, के सी इज बीइंग सस्पेक्टेड, कि उस पर संदेह किया जा रहा है, सी सेज दैट, तब वो कह देती है कि सी हैड नॉट सीन इट, मैंने उसको देखा नहीं था, एंड सी डज नॉट नो, और वो जानती भी नहीं है अबाउट इट, इसके बारे में एनीथिंग, कुछ भी। क्लियर, आंसर सिंपल है। मेरे ख्याल से आप लोगों को एकदम से ईजी लगा होगा, और जिन स्टूडेंट ने ठीक से समझने की कोशिश करी होगी उनको अभी के अभी लर्न भी हुआ होगा। ओके, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।